सामान्यतः सरसों का खेती में जुताई के समय डीएपी, सुपर फास्फेट, एनपीके इत्यादि खादों का प्रयोग कर सरसों का बुआई किया जाता है। इसके बाद सरसों का पौधा जैसे जैसे बढ़ने लगता है उसमें सिंचाई की जाती है और उस समय यूरिया का छिड़काव किया जाता है। यह विधि लगभग लगभग सभी किसानों द्वारा अपनाया जाता है, परंतु आज हम सरसों का अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए, अर्थात जो एक सामान्य उत्पादन होता है 6 से 7 कुंटल, उससे भी हम 2 से 3 कुंटल का अधिक सरसों उत्पादन के लिए कुछ ऐसे पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे जिसका स्प्रे कर आप सरसों का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जरा सोचिए किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ में 600 से 700 रुपये का अधिक खर्च कर 2 से 3 कुंटल का अतिरिक्त सरसों उत्पादन ले, तो क्यों ना यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसीलिए जो किसान भाई आप सरसों की खेती कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और यह विधि को अपना कर देखें, जरूर से जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तक अगर जो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाली घंटी का बटन जो दिख रहा है उसको आप दबा लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है कृषि संबंधित आप तक पहुँचे। जैसे कि हमारे पीछे जो खेत है ये लगभग अभी 30 से 35 दिन का इसका उम्र हो चुका है और इसी अवस्था में इसमें कुछ दिन बाद फूल आना शुरू हो जाएगा, अभी एक दो जगह आ ही रहा है। इसी अवस्था में आप इस सभी तत्वों को देना है, जिसमें जो प्रमुख तत्व है वो होता है ये एनपीके लिक्विड। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 19-19-19 की मात्रा में रहता है। दूसरा में है सल्फर, ये जो सल्फर है 80% इसमें इसका कंटेंट है, इसको देना है। इसके बाद है एक ह्यूमिक एसिड है, इसको लेना है। इसके बाद एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहेगा। तो किसान भाई, वो पहले नंबर पे हम बात करेंगे एनपीके 19-19-19 के बारे में। मार्केट में आपको विभिन्न विभिन्न अलग अलग कंपनियों का ये मिल जाएगा। लिक्विड फॉर्म में इसको तैयार करना है, इसके लिए सबसे पहले ये आपको जो टंकी है नैपसैक स्प्रे, आपके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक हो या तो हैंड स्प्रे हो, जो भी आप ले सकते हैं, और इसमें 15 लीटर पानी भर लेना है। 15 लीटर क्षमता वाले पानी में आपको इसका 100 ग्राम लिक्विड तैयार कर स्प्रे करना है। अब हम बात करेंगे इस एनपीके का आखिर फसल की इस अवस्था में क्या काम है। सबसे पहली बात इसमें है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप खुद जानते हैं कि यह फसलों को वृद्धि के लिए काम करता है, मतलब जैसे आप इसका स्प्रे करेंगे फसल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है फास्फोरस। फास्फोरस का काम होता है कि यह अगर फसलों में फास्फोरस का कमी है तो उसका पूर्ति करेगा। उसके अतिरिक्त जब इसमें फली आना शुरू हो जाएगा तो फास्फोरस इसमें जो फली आएगा वो बहुत ही पुष्ट फली होगा, उसमें दाना अच्छे प्रकार से भरेगा। तीसरे नंबर पे है पोटास, जो भी 19 मात्रा में है इसका 19% है। पोटास का हम अगर प्रयोग स्प्रे करेंगे जब, तो इसको पोटास का पूर्ति हो जाएगा और यह पौधों को रोग तथा कीट के प्रति लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। तथा अंतिम में पोटास का स्प्रे करने से दाना जो होगा बहुत ही चमकदार होगा और मार्केट में इसका आपका अच्छा प्राइस मिलेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सल्फर के बारे में। देख सकते हैं हमारे पास है सिंजेंटा कंपनी का है, थायनुट्री नाम से है, इसमें 80% सल्फर है। अब मार्केट में दूसरा कंपनी का भी अगर अच्छा अच्छे से मिल जाए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सल्फर हो जिसमें 80% हो और जो कि वाटर सोल्यूबल हो, वही सल्फर आपको लेना है। और इसको एक टंकी में 15 लीटर क्षमता वाले टंकी में 50 ग्राम मिलाकर स्प्रे करना है। अब हम बात करेंगे कि सल्फर का ही पौधों में क्या काम है। सल्फर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि यह पौधों में क्लोरोफिल तैयार करता है, जिसको हम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। और जब पौधों में हरित लवक ज़्यादा मात्रा में होगा तो यह सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण बहुत तीव्र गति से करेगा और भोजन उत्पादन करेगा। तीसरा, सल्फर स्प्रे करने से खेतों में अच्छे से जड़ का वृद्धि होता है, जिससे नीचे में जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित कर पौधों को प्रदान करता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है कि तिलहन फसलों में सल्फर डालने से उसमें तेल का प्रतिशत बढ़ता है। जैसा कि सरसों फसल है ऑलरेडी, इसमें अगर तेल का इसको हम स्प्रे करेंगे, सल्फर अगर मिल जाएगा सरसों को, तो जो उसमें तेल का प्रतिशत है वह बढ़ जाएगा। और जब आप अगर इससे सरसों का तेल निकालते हैं तो तेल का मात्रा अधिक मात्रा में मिलेगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है अब मार्केट में 98% जिसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, चाहे अधिक से अधिक मात्रा में जिस प्रोडक्ट में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है
उसको लीजिएगा, और उसका जो 15 लीटर वाला क्षमता वाला टंकी है उसमें 50 ग्राम डाइल्यूट करके स्प्रे करना है। ह्यूमिक एसिड का पहले किसान भाई देखते थे कि इस तरह का प्रोडक्ट का इस्तेमाल फसलों में नहीं किया जाता, इसीलिए प्रोडक्शन कम होता था। लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रहा है, उसी तरह से हमको हमारे अनाज चाहे तिलहन चाहे दलहन की भी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है, इसीलिए हमको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना है। उसी को देखते हुए अभी जो हमारे साइंटिस्ट है वो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो जो ह्यूमिक एसिड है, जब हम इसको खेत में प्रयोग करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह खेतों में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये बढ़ाएगा, और उससे ये होगा कि पौधों को उचित मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर उपलब्ध होगा और पौधे अच्छा वृद्धि करेगा तथा पौधे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये जो चौथे नंबर पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये पौधों के लिए इस अवस्था में बहुत ही आवश्यक है, चाहे कोई भी फसल हो, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है तथा अन्य ऐसे तत्व है जो कि पौधों को वृद्धि बढ़ाता है। इसका फायदा यह होता है कि जब इसमें हम देते हैं तो एक प्रकार का पौधों में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होता है, जिससे यह भूमि में चाहे हम जो भी पोषक तत्व देते हैं उसको अच्छे से अवशोषित करता है और पौधों के हर एक भाग तक पहुंचाता है, और पौधों का बहुत ही अच्छा विकास होता है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप यह वीडियो अच्छे से समझ गए हैं, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है आपको पता चल गया है। और मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा, अगर आप सरसों की खेती किए हैं और उसका अच्छे से वृद्धि नहीं हो रहा है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, 100% इसका रिजल्ट आएगा। और इसका रिजल्ट हम लोगों एक किसान के यहाँ इस्तेमाल किए थे, उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको खुद देखिए और अनुभव कीजिए।